Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्स पेन पीसीआर ट्रेंड साइकर और इंडिया वीक्स के डेटा को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा पे क्या चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, इन सब डेटा के ऊपर कैसा सेंटीमेंट है मार्केट का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के संग और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी की जो दिखेगी वो 30,052 पे है, 4 दिसंबर की ये क्लोजिंग प्राइस है और हम लोग 10 दिसंबर की एक्सपायरी की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी की। ट्रेडिंग रेंज आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट की बीच की रेंज होती है। जनरली हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो हमें उसके लिए इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। देखेंगे कि यहाँ पे करीब 7 लाख के आसपास का ओपन प्रेस खड़ा है और एडिशन देखिए तो 2,73,000 का यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। स्ट्राइक है आपका 31,000 का। तो ये 31,000 का स्ट्राइक हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे करीब 6,83,000 का ओपन प्रेस खड़ा है और एडिशन करीब 2,59,000 का यह स्ट्राइक है 30,500 का। तो यह भी एक अच्छा रेसिस्टेंस साबित हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 6,82,000 का ओपन प्रेस खड़ा है। तो यह भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बन सकता है। अगर ये इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं गया तो यहाँ से कॉल राइटर्स जो है वो फंसेंगे, तब हमें अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये सब लेवल थे आपके रेसिस्टेंस के लेवल बैंक निफ्टी के, सवाल यहाँ तक था। अब दूसरी तरफ देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट हमें कहाँ मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे करीब 7,65,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज 4,65,000 का और स्ट्राइक है 29,500 का। तो यह हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट होगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दूसरा जो सपोर्ट होगा, सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट, वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए करीब 6,69,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखिए 2,71,000 का, स्ट्राइक है 29,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हो सकता है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4,42,000 का ओपन प्रेस खड़ा है और 1,63,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 30,000 का। तो ये सब लेवल सपोर्ट, जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इस लेवल पे। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज कहाँ तक हो सकता है बैंक निफ्टी की, तो रेंज जो निकल के आ रही है सामने वो 29,500 से लेके 31,000 तक का रेंज आ रहा है सामने बैंक निफ्टी का। 29,500 से लेके 31,000 तक का रेंज आ रहा है बैंक निफ्टी का और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वह है 30,000 का पाइवट स्ट्राइक। इधर देखेंगे 6,82,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, दूसरी तरफ देखेंगे तो 4,42,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है। तो ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक है बैंक निफ्टी का, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर जब तक रहेंगे हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और तब बैंक निफ्टी 30,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा तो 31,000 की तरफ और मूव करेगा। अगर 30,000 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी 29,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये आपका ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी का। दूसरी तरफ अगर देखेंगे नेट चेंज की बात करेंगे, देखेंगे नेट चेंज में क्या है तो पता चलेगा यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल बाइंग हुई है। इधर देखेंगे तो ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले जो पाइवट स्ट्राइक था वो 29,500 पर जो पे था, जो बढ़ के अब 30,000 पे हो गया है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये बैंक निफ्टी आपका बुलिश है।
सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, तो ये बता रहा है कि मार्केट फुली बुलिश है, बुल्स है अभी ड्राइविंग सीट पे। तो जब तक हम लोग 30,000 के ऊपर है, 29,500 के ऊपर है, तब तक हम लोग बुलिश फेज में ही रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर देखने को मिलेगी, जो हेल्थी है प्रॉफिट बुकिंग वो चलती रहेगी। अब चलेंगे हम लोग बाकी और डेटा चेक करें उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के ऊपर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी क्लोजिंग कितनी पे है। तो 13,258 पे इसकी क्लोजिंग है 4 दिसंबर की क्लोजिंग, और 10 दिसंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं, और हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ में रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज है 3 लाख के करीब, स्ट्राइक है 13,500 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है वो है आपका, वो दिखेगा आपको यहाँ पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 6,95,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, स्ट्राइक है 13,200। लेकिन इसके ऊपर अब निफ्टी आपका क्लोजिंग है, तो ये कैसा हो सकता है कि यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और इमीडिएट रेसिस्टेंस हमें ये बनता हुआ दिखेगा, तब 13,300 का इमीडिएट रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखेंगे तो करीब 3 लाख का अपने आप में ह्यूज है। तो ये सब लेवल्स रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं निफ्टी को। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो इधर आकर देखेंगे तो ये इन दोनों लेवल्स को देखिए, यहाँ पे करीब आपका 30 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखिए 12,57,000 का, स्ट्राइक है 13,100 का। तो ये एक हाईएस्ट सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है निफ्टी के लिए 13,100, और इसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो 30 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखिए अपने आप में कितना ह्यूज है करीब 22 लाख का। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है आपका 13,200। तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर अब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज अब जो निकल के आ रही है वो आपका रेंज 13,200 से लेके आपका 13,500 तक का रेंज दिख रहा है, 13,200 से लेकर 13,500 तक का रेंज अभी हमें दिख रहा है, और पाइवट स्ट्राइक जो हमें दिख रही है वह है 13,200 ही पाइवट स्ट्राइक है। यहाँ पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर खड़ा है, 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा है। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे फिसला तो 13,100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, इसके ऊपर रहा तो 13,300 और उसके बाद 13,400, उसके बाद 13,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा ये आपका निफ्टी। तो ये आपका लेवल्स है, रेंज है। दूसरी तरफ अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो देखेंगे कॉल बाइंग होते हुए दिखी है, इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है, तो ये इंडिकेशन है कि निफ्टी पहले भी बुलिश थी और अभी भी बुलिश है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी का सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, और पाइवट स्ट्राइक भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अभी बुलिश फेज में है। इस पर बुल्स का काफ़ी अच्छा आपका कंट्रोल चल रहा है, जितने भी वाई पे एडिशन है तो ये हमें बता रहा है कि वाई पे एडिशन बुल्स के फेवर में है। और एक चीज़ देखेंगे आप तो अब हम अपने वेबसाइट पे चलेंगे बाकी सब डेटा को चेक करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए कि उन सब डेटा पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया वीक्स के डेटा को चेक करेंगे, करीब 5% के आसपास कूलिंग देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा है ये इंडिया वीक्स का डेटा। जितना ज़्यादा कूलिंग होगा उतना ज़्यादा बुल्स को सपोर्ट करेगा। मैक्स पर अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का तो आपका इंक्रीज हुआ है 29,500 से 29,900 बुलिश,
और निफ्टी का भी अगर हम बात करें निफ्टी का भी, तो ये बुलिश ही मैक्सपेन है, ये अभी 13,200 पे है। पीसीआर की बात करेंगे तो पीसीआर थोड़ा सा बैंक निफ्टी का हायर साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, निफ्टी का भी हायर साइड पे जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। मार्केट बुलिश दिख रहा है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। तो बाई ऑन डीप का आप स्ट्रेटेजी हमें ऐसे देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, दो दिन की कमजोरी के बाद लॉन्ग बना है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है पिछले दिन, और निफ्टी में तो स्ट्रेंथ दिख ही रहा है। तो निफ्टी स्ट्रेंथ में आप स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग दिख रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे हमें बाइंग करनी चाहिए, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। ये ओवरऑल एनालिसिस था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।